Uh, अकाउंटेंसी का एग्जाम आने वाला है हम लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपरेशन करें या लास्ट मोमेंट पे कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको ज्यादा पढ़ के जाए जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ सके या फिर हम हमारा अकाउंट का एग्जाम जो है वो पास कर सके अब देखिए यहां पर हमारे पास में लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी समझ लीजिए या फिर मैं आपके लिए यहां पर एक लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के आएंगे आपके सीबीएसई एग्जाम में और कितने कौन कौन से आपके जो है वन मार्क होगा फोर मार्क होगा या सिक्स मार्क का क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं बेसिक हमारा है लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलता है हमें यहाँ पर नाइन से इलेवन मार्क्स आपको आराम से इस टॉपिक से मिल जाते हैं नौ से ग्यारह मार्क्स आपको मिल जाएंगे वो भी कौन से क्वेश्चन आपको केवल मार्क मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन आठ से नौ क्वेश्चन तो केवल और केवल और मार्क के देखने को मिलते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन आपका ड्रॉइंग्स आपका लोन पे इंटरेस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं सेकेंड वैल्युएशन ऑफ गुडविल जो आपको यहाँ पर थ्री मार्क का देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर गुडविल के फॉर्मुला से क्वेश्चन पे आ जाते हैं गुडविल के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे न्यूमेरिकल चेंज इन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक मार्क का क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिल जाएगा यहां से देन आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको यहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको एट मार्क के जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और वो भी आपके वन और सिक्स मार्क का मे भी हो सकता है वन प्लस वन और आपका सिक्स मार्क्स का दो क्वेश्चन मार्क के और एक सिक्स मार्क का बड़ा क्वेश्चन आपको एडमिशन से देखने को मिल सकता है रिटायरमेंट से आपको सेवन टू टेन मार्क्स के क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको वन मार्क थ्री मार्क और सिक्स मार्क के क्वेश्चन जो है आपको रिटायरमेंट से मिल सकते हैं डेथ से आपको यहाँ पर सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर लोन अकाउंट बनाने को बोल सकता है ठीक है आता है में आपको यहाँ पर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन टोटल मिल सकते हैं जिसमें आपको वन मार्क और फोर मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन जो है आपका हो सकता है एक मार्क का आ जाएगा और दूसरा फोर मार्क्स का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं तो ये बात हुई हमारी पार्टनरशिप की पूरी नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम शेयर्स पे कह सकते हैं यहाँ पे हमारे अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा चैप्टर जो है ऑफ शेयर्स is, पर आपको जर्नल एंट्री से सारे क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बड़ा क्वेश्चन आ सकता है प्रोराटा अलॉटमेंट पे प्रोराटा अलॉटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर तो इशू ऑफ शेयर्स में आपको फोर्टीन से लेकर एटीन मार्क्स के क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे तो कह लीजिए कितना बड़ा चैप्टर है यहां पर ये यह आपका सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर यहां पे प्रूव होता है अब यहां पर आपका वन मार्क क्वेश्चन भी आ जाएगा थ्री मार्क फोर मार्क और सिक्स मार्क्स हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में से देन आता है इसी का कह लीजिए आगे डिबेंचर अब डिबेंचर में भी सेम आपको वही एंट्रीज यहां पर देखने को मिल जाएगी कोलेट्रल सिक्योरिटी को यहां पर देख लीजिएगा कोलेटर सिक्योरिटी से जो है क्वेश्चन आपको डिबेंचर्स में देखने को मिल सकते हैं आपको एट टू इलेवन मार्क्स का डिबेंचर्स यहां पे मिल सकता है जिसमें वन थ्री एंड सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आपको बिल्कुल पेपर में मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस दोनों से जो है आपको मिलाकर तीन से चार मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर दूसरा अगर आप जाते हो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पे देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे इजी स्टेटमेंट्स हैं आप अगर इसको नहीं करके जाओगे तो बहुत कह सकते हो कि यहाँ पे आप चार मार्क्स का लॉस करवा सकते हो अपना तो आप प्लीज इनको जो है इजी चीजें हैं तो इनको आप जल्द पहले क्या कर ले रिवाइज कर ले या फिर इनको क्या करो एग्जाम से पहले एक बार देख लो जिससे वहां पे आप जो है अटेम्प्ट कर सके एटलीस्ट क्वेश्चन को रेशियो एनालिसिस सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले पहले यहां पर हो सकता है कि पांच मार्क्स का क्वेश्चन आपको आराम से रेशियो एनालिसिस से देखने को मिल जाएगा तो काफी सारे यहाँ पर रेशियोज है सबका रिविजन एक बार जो है आप कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले देन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे आठ मार्क्स के जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे uh, हो सकता है वन वन मार्क के दो क्वेश्चन और एक फुल आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में मतलब वन वन मार्क का और फुल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को दिया जा सकता है तो यहाँ पे हमारी हो गई है मार्किंग जो आपके एग्जाम्स के टॉपिक्स उस पर अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एट द लास्ट मोमेंट कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप वो करके जाए तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स या फिर आप थोड़े मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना है सबसे बड़ी बात आप कोई टॉपिक एग्जाम में छोड़कर नहीं जाएंगे ये गलती कभी मत करना बस यहां पर ये चीज इसलिए बताई जा रही है कि आप यहाँ पर उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें जो ज्यादा मार्क्स गेनिंग है ओके तो यहां पर मैं आपको तीन चार टॉपिक्स बता देती हूँ जो सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग है इसी एनालिसिस पे पहला है हमारा इशू ऑफ शेयर्स ठीक है तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर आप आराम से मैंने बताया 18 मार्क्स तक का आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो मतलब आप यहां पे मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छे से आपने इशू ऑफ शेयर्स कर रखे हैं तो आपने जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आती हैं तो आपको प्रोराटा अलॉटमेंट अच्छे से आता है तो डिबेंचर्स है आपको अगर इशू ऑफ शेयर्स एक बार हो जाएगा तो सिमिलरली आप डिबेंचर्स आराम से कर सकते हैं दोनों आपके आराम से हो जाएंगे अगर आपने इनकी जर्नल एंट्रीज अच्छे से की है तो ठीक है आपको जर्नल एंट्रीज का बेसिक क्लियर है तो देन आता है है पार्टनरशिप 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 अब अब देखिए मार्क्स गेनिंग है. अब में एडमिशन भी आपका जो है मार्क्स यहाँ पे आपको दिला सकता है तो फंडामेंटल्स और एडमिशन पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से तो आपको आराम से पार्टनरशिप चैप्टर अच्छे मार्क्स आपको ये दिला देगा देन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे आपको कह लीजिए कॉमन साइज यहाँ पे ले लीजिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप ले सकते हो तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स जो हैं चारों टॉपिक्स आपको सीबीएसई एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकते हैं अब यहाँ पर आपके जो है मैंने आपको बता दिया है दैट आप जो है किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कहाँ से आपको वन मार्क थ्री मार्क फोर मार्क एंड सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ये हमारी हुई अकाउंट्स के एग्जाम्स की बात अब अगर आप में से कोई भी हमारे साथ सी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे साथ अपनी सीयू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं देखिए एग्जाम्स के बाद सबका है ना एक एम होता है कि हमें एक अच्छा सा कॉलेज जो है वो मिल जाए हमारा ड्रीम होता है किसी का ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना किसी का ड्रीम है बी में जाना कोई चाहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस में हमको एडमिशन मिल जाए एस मिल जाए हंसराज मिल जाए मिल जाए या फिर हिंदू कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए हमें सीयूटी की प्रिपरेशन करनी जरूरी है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि अब वो क्या करेगा सीयूटी प्रिफर करेगा तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आज आप कहीं पे भी कोई भी कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक बार हमें जो है देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर हम जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सीयूटी की प्रिपरेशन साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम की विद लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट तो चलिए एक बार आप अपना गूगल जो है वो ओपन कर सकते हो गूगल में हम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है क्या टाइप करना है खान ग्लोबल स्टडीज आप जो है टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा खान ग्लोबल स्टडीज का मोस्ट ट्रस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो है हमारा प्लेटफॉर्म यहां पर ओपन होगा देखिए हमारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से आपको ओपन होगा आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जाना है कोर्सेस पे और आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन कोर्सेस पे ठीक है ऑनलाइन कोर्सेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ये सारे कोर्सेस जो हम यहां पर आपको ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पे नीट सीयूईटी, आपके यहाँ पर यूपीएससी सारे कोर्सेज आपको जो है गिवन है हमारा यहाँ पर नीट जेई सीयूटी का ऑप्शन गिवन है जिस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो दिख जाएंगे देखिए यहाँ पे आपके नीट के अभी जो है कोर्सेज आए हुए हैं हमको थोड़ा सा नीचे जाना है सीयूटी कोर्सेज के लिए तो सीयूटी कोर्सेज देखो यहाँ पर आपको गिवन है आर्ट्स का गिवन प्रॉपर आपको जो है बैच है जिसके अंदर आपको आर्ट्स के तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट देखने को मिल जाएगा साइंस आपका जो है अलग से इफ, अगर आप जो है कॉमर्स आर्ट्स या साइंस से नहीं ले रहे हैं आप जो आते हैं केवल लैंग्वेज टेस्ट पढ़ना और जनरल टेस्ट पढ़ना तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो और यहाँ पे है कॉमर्स बैच तो कॉमर्स में यहां पर जो है हम आपको बैच दिखा देते हैं अब यहाँ पर आपको जो है हमारे बैच में मिल जाएंगे प्रॉपर कोर्स आपको यहाँ करवाया जा रहा है कॉमर्स का जिसमें हम अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर है और इकोनॉमिक्स आपका है उसके साथ में लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट भी है तो यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर हर चैप्टर के साथ आपको डीपीपी मिलेंगे डीपीपी सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे यहाँ पर संडे वीकली टेस्ट आपके होंगे एवरी संडे वीकली टेस्ट होगा विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको आपका टेस्ट जो होंगे कंडक्ट कराए जाएंगे देन यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट है उसका डिस्कशन किया जाएगा और आपका फुल सिलेबस सीबीटीवी होगा जिससे आपको अपने एग्जाम की जो है यहाँ पर करवाई जाएगी आई होप कि आपको यहाँ इंफॉर्मेशन यह जो मैंने प्रोवाइड की है वो आपको इन फ्यूचर या फिर सीवीटी प्रिपेरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी सो so, यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल खान ग्लोबल स्टडीज और के जी एस के साथ में मिलता है फिर नेक्स्ट आपके किसी डाउट को क्लियर करने के लिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर गुड बाय ऑल ऑफ यू